हेलो गाइस, पालक पनीर बनाने के लिए पहले पालक को अच्छे से वॉश कर ले, फिर एक बड़े पतीले में डाल के उसे पानी और हरी मिर्च डाल के बॉईल कर ले। 2 से 3 हरी मिर्च डालनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इतना ये बॉईल होता है इतना प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार कर ले। देखिए ये बॉईल हो रहा है, इतना एक बड़े बर्तन में इतना तेल डाले और उसमें हींग, जीरा और सूखे मसाले डाल के तड़का लगाए। सूखे मसाले में आप तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। इतना ये भून रहा है, उसके बाद हमें प्याज डालनी है और प्याज के ऊपर से नमक डालना है। प्याज नमक डाल के अच्छे से भूनना है जिससे कि इसका प्याज का मीठापन मर जाए। उसके बाद फिर इसमें लाल मिर्च और हल्दी डाल के फ्राई करें, और जब तक भुने जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। जैसे ही ये भुन जाता है तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें और उसको भी अच्छे से फ्राई होने दें। इतना हमारा पालक ठंडा हो चुका है, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लें। और ये देखिए मसाला तैयार है, और इस पेस्ट को इसमें डाल दें। फिर इसे बॉईल होने का इंतज़ार करें। इतना अपने पनीर के स्लाइसेस कट कर लें, और जैसे इसमें बॉईल आ जाए तो ऊपर से पनीर के स्लाइसेस डाल के इसे सर्व करें। तो आप इसे पराठे पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।